सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड गाइस कैसे हो यार आप सभी। सो गाइस फाइनली हमारे फ्री फायर के अंदर भाई यहां पे आ चुका भाई स्ट्रीट रिंग इवेंट, जहां पे गाइस बात करें तो हम लोग का पे भाई अपना जो ब्रेक डांसर बंडल है भाई वो रिटर्न में आ चुका है। इसके साथ साथ गाइस बात करें तो यहां पे भाई अपना जो यहां पे स्ट्रीट थग बंडल था गाइस वो भी रिटर्न में आ चुका है। सो गाइस आज की इस वीडियो में भाई हम लोग का पे ब्रेक डांसर बंडल और यहां पे स्ट्रीट थग बंडल दोनों को निकालने वाले हैं। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग आप लोग की वाले, बस आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक वीडियो को देखते रहना। बाकी चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करें तो भाई गरीना वाले हमेशा की तरह भाई इस बार भी अपना दिमाग लगा दिया पूरी तरह से, क्योंकि गाइस यहाँ पे बात करें तो भाई देखो ब्रेक डांसर बंडल को हम लोग भाई यहाँ पे स्पिन करके निकालना पड़ेगा और इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रीट थग बंडल को भाई 300 टोकन में एक्सचेंज कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पे देखो ब्रेक डांसर बंडल आप लोगों को पक्का है कि भाई 250 स्पिन तक में निकल जाएगा, मतलब भाई 250 स्पिन करने के बाद हम लोग का भाई मतलब 250 स्पिन तक हम लोग को जो यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल है भाई वो मिल जाएगा। तो चलो हम लोग फटाफट स्पिन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे टोटल कितने डायमंड्स में गाइस हम लोग यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल मिलेगा। बट उससे पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पे स्पिन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लोग जो फर्स्ट स्पिन है भाई वो 20 डायमंड्स का, बाकी 10+1 स्पिन हम लोग यहाँ पे 200 डायमंड्स का है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे करेंगे 20 डायमंड्स के स्पिन एंड गाइस देखेंगे 20 डायमंड्स के स्पिन में हम लोग यहाँ पे क्या मिलने वाला है गाइस यहाँ पे। चलो 20 डायमंड्स की स्पिन भाई भाई हम लोग को एक टोकन मिला, ठीक है इट्स ओके गाइस। हम लोग यहाँ पे करते भाई 10+1 स्पिन 200 डायमंड्स का, देखते हैं 200 डायमंड्स के स्पिन में हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा भाई। स्पिन हो रहा है हम लोग यहाँ पे टोकन सभी मिलेंगे भाई, देखते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी भाई हम लोग यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल चाहिए भाई, क्योंकि भाई मुझे ब्रेक डांसर बंडल काफी ज्यादा पसंद है और कई सर यहाँ पे मैंने एक सब्सक्राइबर का आईडी लिया हुआ, तो भाई इसके अंदर देखते भाई निकाल के भाई कितना डायमंड लगता है, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे ओके कर देते हम लोग यहाँ पे फटाफट के पहले स्पिन में गई हम लोग को देखो 10+1 स्पिन भाई हम लोग यहाँ पे मिला 19 टोकन, मतलब नहीं 18 टोकन मिले एक बार में। तो हम लोग आगे का स्पिन करते भाई फिर से 200 डायमंड्स का एंड कहीं देखते हैं फिर आगे के स्पिन में कहीं यहाँ पे क्या मिलता है भाई, यहाँ पे कितने टोकन्स मिलेंगे और कहीं यहाँ पे देखते हैं बाकी यहाँ पे कहीं देखते हैं कितने टोकन्स मिलेंगे। ओके यहाँ पे भाई स्पिन हो रहा है अपना यहाँ पे एंड यहाँ पे गाइस चलो 5 टोकन मिले भाई एंड यहाँ पे देखते भाई चलो इस स्पिन में भाई भाई बस टोकन मिले, ठीक है मतलब बंडल तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि भाई बंडल के चांसेस काफ़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे बंडल दो ही दिया गया है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे अपना मंथली मेंबरशिप का यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। और हाँ गाइस देखो यहाँ पे भाई मेरा यहाँ पे देखो भाई एक वीकली मतलब यहाँ पे वीकली मेरा 54 दिन का चला और यहाँ पे भाई जो अपना मंथली चला भाई वो 114 दिन का चला, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे भाई SVIP जो अपना मेंबरशिप होता है भाई यहाँ पे देखो एक वीकली और एक मंथली दोनों साथ में गाइस मैंने परचेज किया केवल और केवल 600 रुपीज़ में, मतलब गाइस आप लोग यकीन करोगे भाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं आर्या गेम शॉप के थ्रू भाई यहाँ पे हमेशा भाई 600 रुपये में यहाँ पे एक मंथली और एक वीकली दोनों साथ में लेता हूँ। लेकिन गाइस वही बात करें तो गेम के अंदर भाई एक मंथली और एक वीकली दोनों लेने के लिए भाई करीब यहाँ पे 960 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन गाइस मैं टॉपअप करता हूँ भाई आर्या गेम शॉप से केवल 600 रुपये में भाई एक मंथली और एक वीकली दोनों, मतलब एक SVIP को 600 रुपये में केवल आर्या गेम शॉप से टॉपअप करता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी टॉपअप कर सकते हो, चलो मैं आप लोग को बता दूँ गाइस आप लोग कैसे कर सकते हो 600 रुपये में एक मंथली और एक वीकली दोनों। पे आ जाना होगा गाइस आपको प्ले स्टोर पे आके सर्च करना होगा आर्या गेम्स ऑफ, इसको गाइस आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप कर लेना होगा। गाइस अब आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे आके आप लोग इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना, फिर गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मुझे यहाँ पे 600 रुपये में एक मंथली और एक वीकली दोनों साथ में मिल जा रहा है। गाइस आप लोग यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर गाइस आप लोग के सामने यहाँ पे आप लोग का फ्री फायर का UID डालना होगा एंड गाइस आप लोग यहाँ पे फ्री फायर में जो नेम होगा आप लोग वो डाल देना। इसके बाद गाइस आपको अपने यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर डाल देना होगा, इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए भाई आपका UPI आ जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोग अपना UPI नंबर डाल के भाई फटाफट यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देना। अब आप लोग के गेम के अंदर भाई यहाँ पे मंथली और वीकली दोनों टॉपअप करने के लिए भाई आईडी लॉगिन करने के लिए आर्या गेम शॉप की तरफ से आप लोग को आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। तो भाई आप लोग बेफिक्र होकर आईडी एंड पासवर्ड अपना दे देना, क्योंकि भाई मैं हमेशा यहाँ पे आईडी पासवर्ड देके ही टॉपअप करवाता हूँ। बाकी गाइस जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया भाई वो 100% सेफ है, आप लोग वहाँ पे जाके भाई आर्या गेम शॉप पे भाई अपने आईडी पासवर्ड को दे के भाई 600 रुपये में ही आप लोग यहाँ पे मंथली और वीकली दोनों साथ में ले सकते हो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है। तो जाओ फटाफट गाइस आप लोग आर्या गेम शॉप से टॉपअप करो। बाकी होप सो आप लोग यार समझ गए होगे सब कुछ मैंने जो जो आप लोगों को बता दिया। बाकी चलो हम लोग यहाँ पे फटाफट अपना स्पिन स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग करते हैं फिर से 10+1 स्पिन 200 डायमंड्स का, गाइस देखते हैं यहाँ पे 200 डायमंड्स के स्पिन में गाइस हम लोग यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा। ओके यहाँ पे गाइस हम लोग का स्पिन हो रहा है, बाकी देखते हैं भाई यहाँ पे टोकन मिला भाई भाई टोकन ही टोकन दिया जा रहा है करीना भाई। यहाँ पे दो बंडल दिए गए लेकिन भाई बंडल तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे स्पिन तो कर दिया भाई, गारंटीड है कि भाई यहाँ पे 250 स्पिन में निकल जाएगा। तो अभी गाइस हम लोगों ने यहाँ पे कितने स्पिन किए, मतलब 30 है या फिर हम लोग यहाँ 35 स्पिन कर दिए, ठीक है मतलब 34 स्पिन किए। तो देखते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे 250 स्पिन टोटल करना पड़ेगा या फिर उससे पहले निकल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं फिर से यहाँ पे 200 डायमंड्स का स्पिन अगेन, गाइस देखते हैं क्या निकलता है भाई। यहाँ पे दो टोकन मिला, फिर दो टोकन मिला गाइस यहाँ पे, फिर तीन टोकन मिला भाई यहाँ पे, फिर एक टोकन, फिर एक टोकन भाई। गजब यार यहाँ पे टोकन दिया जा रहा है भाई, यहाँ पे बंडल तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई गरीना वाला, ठीक है भाई क्या ही बोलूँ।
गाइस चलो हम लोग यहाँ पे वन स्पिन ट्रिक अप्लाई करते हैं। गाइस यहाँ पे ट्रिक वगैरह थोड़ा अप्लाई करते हैं, वन स्पिन ट्रिक हम लोग यहाँ पे गोल्ड रॉयल के अंदर थोड़ा स्पिन कर देते हैं भाई यहाँ पे। उसके बाद गाइस हम लोग फिर से अपने करेंगे भाई यहाँ पे, कहाँ गया हम लोग का स्ट्रीट था इवेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग फिर से करते हैं 200 डायमंड्स का स्पिन, एंड गाइस देखते हैं इस स्पिन में क्या निकलता है भाई। 200 डायमंड्स का हम लोगों ने स्पिन ऑलरेडी फिर से कर दिया है, एंड गाइस देखते हैं इस वाले स्पिन में क्या बंडल निकल सकता है भाई। हम लोग को यहाँ पे स्ट्रीट बॉय बंडल चाहिए भाई, यहाँ पे स्ट्रीट बॉय बंडल मिल जा रहा भाई, क्यों नहीं मिल रहा भाई, भाई यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा भाई, क्या बोलूँ गाइस यहाँ पे। चलो कोई ना गाइस, करते हैं फिर से स्पिन 20 डायमंड्स का, ठीक है। हम लोग को स्ट्रीट्स बंडल यहाँ पे भाई, इसको ब्रेक डांसर बंडल बोलते हैं हम लोग, लेकिन भाई इसका नाम स्ट्रीट्स बंडल है, ठीक है। नहीं मिला गाइस बंडल अभी हम लोग को यहाँ पे, फिर से करते हैं 10+1 स्पिन 200 डायमंड्स का, गाइस देखते हैं इसमें क्या निकलता है भाई। यहाँ पे 5 टोकन, 3 टोकन, 1 टोकन, 2 टोकन, भाई गरीना वाला बस यही दिया जा रहा है भाई, बंडल तो देने का नाम ही नहीं ले रहा भाई यहाँ पे। मतलब 250 स्पिन बोल दिया तो भाई 250 स्पिन पूरा करवाएगा भाई, गजब। ये सब चीज़ें गलत बात है भाई। सबसे पहले तो भाई ये लोग लूटने के लिए भाई एक से एक नया नया तरीका खोजते रहते हैं कि भाई चलो लूटने के लिए कोई ना कोई नया तरीका मिलता है जिनके जिससे भाई ये लोग लूटते हैं। बाकी यहाँ पे करते हैं फिर से 10 एक स्पिन और 20 का करके देखते हैं भाई। 10+1 स्पिन में तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है गाइस, देखते क्या पता इस भाई। फिर से तीन टोकन मिले इसमें, अभी मेरे पास यहाँ पे 114 टोकन हो चुके हैं। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे 200 डायमंड्स का अगेन स्पिन करते हैं, एंड देखते गाइस इसमें हम लोग यहाँ पे क्या मिलता है गाइस। 200 डायमंड्स का हम लोगों ने फिर से स्पिन कर दिया है। बाकी यहाँ पे गाइस क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा भाई, टोकन 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 गाइस, यहाँ पे 2 टोकन 1 टोकन भाई, गजब यार। तो चलो यहाँ पे फिर से करते हैं 200 डायमंड्स का स्पिन भाई। मैंने बहुत सारे डायमंड मेरे यहाँ पे चले जा रहे हैं, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे कोई रिवॉर्ड्स वगैरह गरीना वाला दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई इसको पता है कि भाई ये बंदा बहुत ही डायमंड टॉप अप कर रहा है, तो इसलिए भाई मुझे काफ़ी बेकार तरीके से भाई गरीना वाला यहाँ पे लूट रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्पिन चल रहा है अपना यहाँ पे भाई साहब, टोकन भी नहीं दे रहा है, बंडल भी नहीं दे रहा है, ये क्यों? यहाँ पे 100 टोकन दिखाने के लिए, क्या अचार डालने के लिए गरीना वालों ने यहाँ पे दिया है क्या भाई? 100 टोकन देने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर गाइस हम लोगों ने यहाँ पे 200 डायमंड्स का स्पिन कर दिया, अगेन यहाँ पे देखते भाई शायद मुझे बंडल मिला क्या, शायद नहीं बंडल नहीं मिला गाइस, बस बंडल के ऊपर से यहाँ पे जो अपना स्पिन है वो स्क्रॉल हुआ, ठीक है। तो भाई बंडल तो नहीं मिला। बाकी यहाँ पे भाई टोकन भी बहुत घटिया तरीके से दे रहा है गरीना वाला भाई, एक एक दो दो टोकन भाई, बस यहाँ पे ना 10 टोकन दे रहा है ना 5 टोकन दे रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ। चलो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर स्किल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या पता भाई कैरेक्टर स्किल को चेंज करने के बाद से हम लोग को भाई यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रीमिस ले लेते हैं कैरेक्टर स्किल, ठीक है। प्रीमिस किधर गया भाई अपना एडम का भाई? तो चलो यहाँ पे प्रीमिस को हम लोगों ने इक्विप कर लिया। बाकी चलते हैं अपने फिर से यहाँ पे स्ट्रीट रिंग इवेंट के अंदर यहाँ पे, एंड गाइस फिर से हम लोग करते हैं यहाँ पे 200 डायमंड्स का स्पिन, एंड गाइस देखते हैं इसमें क्या निकलता है 200 डायमंड्स के स्पिन में। गाइस क्या एडम चाचा अपना कमाल दिखाएगा? एडम चाचा कमाल दिखा देना भाई, यहाँ पे बंडल निकाल देना भैया। चाचा जी, एडम चाचा जी, आप दिखाओ ना यार अपना कमाल भाई। स्पिन तो कर दिए गाइस, देखते हैं क्या भाई। टोकन फिर से टोकन भाई, टोकन टोकन भाई, दो दो टोकन दे रहा है गरीना, एक एक टोकन दे रहा है, मतलब ना 10 टोकन दे रहा है ना 5 टोकन दे रहा है भाई। ये किस तरह का इवेंट लाता है गरीना वाला, मतलब और काटता भी है बहुत बुरी तरह से भाई। मतलब जो भी रेयर बंडल या फिर जो भी रेयर मतलब रिवॉर्ड्स होते हैं भाई, उनको ऐसे ही कमीने इवेंट में देता है जहाँ पे गाइस ये बहुत ज़्यादा डायमंड काटता है, ठीक है। तो गाइस अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, 10+1 स्पिन अगेन हम लोगों ने कर दिया भाई। यहाँ पे करीब मैंने 25 वहाँ पे करीब मैंने 2500 डायमंड यहाँ पे अभी तक स्पिन कर चुका हूँ, जिसमें गाइस मुझे यहाँ पे बस 169 टोकन मिले। उसके अलावा गाइस यहाँ पे बंडल देने का तो नाम नहीं ले रहा है गरीना वाला, ठीक है। बाकी देखते हैं गाइस आगे क्या बंडल हमको मिल पाएगा भाई। चलो यहाँ पे भाई 2, 3, 5, मतलब भाई यहाँ पे देखो अभी इस बार टोकन भी भाई टोकन भाई वही दे रहा है, बस काफ़ी कम टोकन दे रहा है भाई, ये भी तो गलत बात है। बाकी हम लोग का 250 स्पिन पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया भाई। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्पिन करते जाते हैं। बाकी दो तीन टोकन वही दे रहा भाई। ब्रेक डांसर बंडल दे देना भाई, क्यों नहीं दे रहा यार, क्यों इतना ज़्यादा डायमंड कटता है भाई। भाई देख रहे हो फिर से टोकन मिला, लेकिन भाई टोकन इतना कम मिल रहा है, ठीक है। बाकी भाई ये ब्रेक डांसर बंडल के नाम पे भाई स्कैम कर रहा है, मेरे को लग रहा है दिमाग खराब हो रहा है भाई मेरा। यहाँ पे स्पिन करे जा रहा हूँ भाई, कोई मतलब नहीं है भाई, स्पिन करते रहे डायमंड उड़ाते रहे भाई, क्योंकि इनके लिए तो भाई डायमंड एकदम कागज होता है। हम लोग डायमंड को इतने सारे पैसे देके परचेस करते हैं, लेकिन भाई इनको क्या, इनको तो भाई बस लूटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पिन में टोकन सब दिया जा रहा है। अब गाइस देखो 250 स्पिन होगा ना, उसके बाद गाइस मुझे ये बंडल देने के बजाय अगर गरीना वालों ने ये बंडल दे दिया ना, तो सच बता रहा हूँ ना मैं इनकी भाई क्या क्या करूँगा भाई, वो तो अभी मैं क्या बोलूँ यार, ठीक है। बाकी यहाँ पे 20 का स्पिन अगेन करते भाई, यहाँ पे अपन लोग देखते हैं 20 के स्पिन में गाइस क्या मिलेगा भाई। 2 टोकन मिला यार, क्या ही बोलूँ। चलो एक दो और 20 का स्पिन ट्राई करते हैं यहाँ पे गाइस, 20 का दो एक दो और ट्राई करते हैं भाई। देख रहे हो 20 के स्पिन में भाई एक एक टोकन दे रहा है भाई, एक एक टोकन, समझ रहे हो मतलब गाइस, यहाँ पे समझ रहे हो मतलब क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई इनकी पार्टी में। चलो यहाँ पे हम लोग 200 डायमंड्स का अगेन स्पिन किए, 2 टोकन मिला, 1 टोकन मिला भाई, 5 टोकन मिला, 3 टोकन, 2 टोकन भाई, 1 टोकन, 100 टोकन क्यों नहीं दे रहा भाई। 100 टोकन क्या क्या करने के लिए रखा है भाई? अचार डालने के लिए यहाँ पे बस दिखाने के लिए रखा है क्या
भाई जो बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने को और होते हैं ना, तो वही वाला सीन है भाई गरीने वालों का। ठीक है भाई, दिखाते कुछ और देते कुछ और, ठीक है। 257 टोकन हो चुके हम लोग, फटाफट यहाँ पे करते 200 डायमंड्स अगेन स्पिन एंड देखते गाइस इसमें क्या मिलता है। भाई ब्रेक डांसर बंडल मुझे चाहिए, आई नीड ब्रेक डांसर बंडल। गरीना वालो दे दो ना यार, क्यों नहीं दे रहे भाई, इतना सारा डायमंड क्यों काट रहे हो यार। मतलब करीब 4,000 डायमंड थे मेरे पास एंड अभी मेरे पास बस 1,000 डायमंड पड़े। मतलब गाइस मैंने यहाँ पे 3,000 से भी ज़्यादा डायमंड उड़ा दिया भाई, बट मुझे अभी तक यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल नहीं मिला यार। भाई दिल से बुरा लगता है, गरीना वालों सुधर जाओ वरना फिर ऐसे में भाई इवेंट वगैरह मैं छोड़ दूंगा कंप्लीट करना। भाई इस तरह से डायमंड्स अगर आप लोग काटोगे यार, छी क्या ही बोलो भाई, ना टोकन दे रहा है ना भाई बंडल दे रहा है। गाइस ये किस तरह का इवेंट है मेरे को तो समझ में ही नहीं आता यार, क्यों ऐसा इवेंट लाता है भाई गरीना वाला। एटलीस्ट ब्रेक डांसर बंडल को भी तो एक्सचेंज में रख सकता था भाई, कि 400-500 टोकन में एक ब्रेक डांसर बंडल को एक्सचेंज करो, बट नहीं भाई ब्रेक डांसर बंडल को तो गाइस स्पिन में ही देने वाले ये लोग। ठीक है चलो 200 डायमंड्स का गेन स्पिन कर दिए हैं एंड देखते गाइस क्या निकलता है। गाइस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक दो बस वही एक दो टोकन भाई, बंडल तो देने का नाम ही नहीं लेना है, बंडल तो देना ही नहीं भाई। मैं चूतिया इंसान हूँ जो इतना ज़्यादा स्पिन करे यार भाई बंडल के लिए। देख रहा फिर से वही टोकन है, एक दो टोकन बस वही मिल रहा है। ठीक है गाइस क्या बोलूँ यार, चलो 20 का स्पिन करते हैं, एक और स्पिन 20 का देखते गाइस क्या मिलता है। ठीक है 20 का स्पिन में गाइस ओके गाइस यहाँ पे एक टोकन मिला, बाकी मेरा 250 स्पिन होने में भाई देखो 5,000 डायमंड में अगर हम लोग करते तो 250 स्पिन 5,000 डायमंड में होगा 10-10 करके। ठीक है बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पिन किए तो भाई यहाँ पे आई थिंक सो 42 डायमंड मेरा यहाँ पे हुआ होगा 220-230 स्पिन हो चुका होगा। बाकी यहाँ पे गाइस फिर से करते हैं 200 डायमंड्स का स्पिन एंड गाइस देखते हैं इसमें क्या निकलता है। गाइस ओके यहाँ पे 200 डायमंड्स का फिर से स्पिन कर दिया है भाई, यहाँ पे टोकन एक दो टोकन भाई एक दो टोकन बस गरीना वाले दिए जा रहे हैं भाई। यहाँ पे टोटल हम लोग के पास 300 टोकन हो चुके हैं, बाकी गरीना अपनी अम्मा बहन एक कर रहा है। फिर से करते हैं 20 डायमंड्स का स्पिन एंड गाइस देखते हैं इसमें क्या निकलता है। भाई यहाँ पे 20 डायमंड्स के स्पिन में गाइस यहाँ पे 3 टोकन मिला, ठीक है 3 टोकन भाई यहाँ पे। भाई क्या बोलूँ मैं, दिल से इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना कि भाई अब मैं क्या बोलूँ यार। देखो 200 डायमंड्स का गेन हम लोगों ने स्पिन कर दिया यहाँ पे एंड गाइस अभी देखते हैं भाई हम लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने एक 200 डायमंड्स का स्पिन कर दिया है एंड देखते हैं भाई यहाँ पे टोकन मिल रहा है, एक दो तीन टोकन बस वही दे रहा है भाई गरीना वाला, 2 टोकन दिया भाई इस बार। चलो यार गाइस क्या कर सकते हैं भाई, इतना बुरी तरह से भाई मेरा डायमंड्स काट लिया गरीना वालों ने आज तो। बाकी यहाँ पे गाइस हम लोग करते हैं 20 डायमंड्स का स्पिन एंड यहाँ पे 20 डायमंड्स के स्पिन में हम लोगों को क्या मिलता है गाइस यहाँ पे टोकन। फिर गाइस यहाँ पे 35 का स्पिन किया हम लोगों ने, तो भाई ये रहा मेरा लास्ट स्पिन जिसमें भाई मुझे ब्रेक डांसर बंडल नहीं मिला। मतलब करीब मैंने यहाँ पे 4,500 डायमंड थे मेरे पास, यहाँ पे पूरे डायमंड्स उड़ा दिए। ठीक है शायद मेरा 250 स्पिन कंप्लीट होने वाला है बट गाइस अभी मेरे पास डायमंड्स हो चुके हैं खत्म। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर से 200 डायमंड्स का टॉपअप करके आ चुका हूँ। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे करते भाई फिर से यहाँ पे एक और 200 डायमंड्स का स्पिन एंड गाइस देखते क्या इस वाले स्पिन में भाई ब्रेक डांसर बंडल मिलेगा हम लोग को। ओके यहाँ पे स्पिन हम लोगों ने कर दिया, बाकी 2 टोकन 1 टोकन मिल रहा है अभी तो यार, यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल नहीं दे रहा गरीना वाला भाई। यहाँ पे फिर से 2 टोकन, यहाँ पे फिर से 2 टोकन भाई, यहाँ पे 2 टोकन 1 टोकन बस भाई, यहाँ पे गजब तरीके से मेरा डायमंड्स काटा है। ठीक है भाई मैं क्या बोलूँ यार, अभी मैं नहीं स्पिन करूँगा गाइस आगे का, बाकी 250 स्पिन भाई बाद में कंप्लीट करूँगा, देखूँगा क्या मिलेगा। बाकी यहाँ पे गाइस 300 टोकन्स में गाइस हम लोग जो अपना स्ट्रीट थक बंडल है इसे हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं फटाफट से गाइस। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट करते भाई ओके, यहाँ पे 300 टोकन्स में गाइस हम लोग का जो बंडल है भाई स्ट्रीट थक बंडल वो मुझे मिल चुका है। ठीक है मतलब गाइस यहाँ पे ब्रेक डांसर तो नहीं मिला, बाकी यहाँ पे स्ट्रीट थक बंडल ही मिल गया, तो भाई इसमें ही खुश रहना पड़ेगा। इसको हम लोग फटाफट ओपन करते हैं एंड इसको इक्विप कर लेते हैं। ठीक है तो भाई स्ट्रीट थक बंडल आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है, होप सो आप लोग आज का वीडियो पसंद होगा एंड गाइस मैं आप लोगों को भाई यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल भी दिखाता हूँ कैसा लगता है। ठीक है क्योंकि भाई मेरे मेन आईडी में यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल भी पड़ा हुआ है। ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको पहले इक्विप कर लेता हूं भाई स्ट्रीट थक बंडल को। इधर गया भाई यहाँ पे स्ट्रीट थक बंडल, ओके यहाँ पे गाइस स्ट्रीट थक बंडल, तो भाई ये तो मतलब चलो बंडल ये मिल गया। ठीक है स्ट्रीट थक बंडल मुझे मिल चुका है, बाकी हम लोग चलो मैं आप लोगों को ब्रेक डांसर बंडल भी दिखाता हूँ भाई, मेरे आईडी में ब्रेक डांसर बंडल भी पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा चलो यहाँ पे फिर से 200 डायमंड्स टॉप अप करके हम लोग चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पे स्पिन करके, क्या पता गाइस हम लोग का 250 स्पिन कंप्लीट हो जाए। ठीक है तो भाई देखो मैं यहाँ पे फिर से 200 डायमंड्स टॉप अप करके आ चुका हूँ गाइस, क्या बोलूँ भाई आज, मतलब भाई इतने सारे डायमंड में टॉप अप करके भाई यहाँ पे उड़ा रहा हूँ लेकिन भाई गरीना वाला मुझे यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल नहीं दे रहा है। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे लास्ट के 200 डायमंड्स का स्पिन करते हैं और भाई देखते हैं इसमें क्या निकलता है गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे भाई लास्ट के 200 डायमंड्स का स्पिन कर रहे हैं। ठीक है भाई प्लीज़ गरीना वालों इसमें तो बंडल दे दे भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई गजब भाई, यहाँ पे 250 स्पिन कंप्लीट नहीं हुआ क्या मेरा अभी तक भाई। यहाँ पे भाई देख रहे हो भाई लास्ट के स्पिन में कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है गाइस, यहाँ पे देख भाई गजब यार, मतलब मैंने 200 क्या बोलूँ गाइस यहाँ पे, मतलब टोटल भाई मैंने यहाँ पे 250 स्पिन कर डाले। ठीक है उसके बावजूद गाइस मुझे बंडल कौन सा मिला भाई, ये ब्लैक वाला मतलब स्ट्रीट बॉय बंडल नहीं मिला गाइस, कितना गजब का लूटा भाई गरीना वाला। ठीक है
ब्लैक वाला बंडल दे दिया, बाकी हम लोग चलते हैं भाई अपने यहाँ पे अपने दूसरे आईडी में। मैं आप लोग को यहाँ पे फटाफट स्ट्रीट बॉय बंडल भी दिखाया। तो गाइस अभी हम लोग अपने सेकंड आईडी में आ चुके हैं। गाइस मेरे पास इस वाले आईडी में भाई ब्रेक डांसर बंडल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो चलो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे भाई ब्रेक डांसर बंडल दिखाया तो कैसा लग रहा है देखने में। बाकी भाई गरीना वाले ने तो मुझे काफी खतरनाक तरीके से लूटा, मतलब मैंने टोटल 5000 डायमंड लगाए, 5000 डायमंड ठीक है, जिसमें भाई मुझे यहाँ पे मान लो टोकन से तो मैंने स्ट्रीट तक बंडल एक्सचेंज कर लिया। लेकिन भाई स्पिन में भाई मुझे लास्ट के जाके 250 स्पिन पूरे कर दिए भाई मैंने, उसके बावजूद भाई लास्ट की स्पिन में जाके भाई मुझे क्या दिया, घंटा दिया भाई, ये वाला बंडल दिया ठीक है भाई। गजब भाई गरीना वाले ने क्या चूना लगाया मेरे को ठीक है। बाकी यार देखो गाइस स्ट्रीट बॉय बंडल कुछ इस तरह से लगेगा अपना, जो यहाँ पे भाई लॉबी के अंदर देख सकते हो। एंड इसका पैंट वैंट थोड़ा ढंग का नहीं है खास, मतलब यहाँ पे जो जूता इसका ऐसे है, बाकी ठीक ठाक इसका हेयर वगैरह लगता है। तो होप सब लोग आज का वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, लव यू।